तो हेलो गाइस, हैमस्टर कॉम्बेड में एयर ड्रॉप आने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। फाइनली भाई 26 सितंबर को एयर ड्रॉप आ जाएगा। और भाई यहां पर जो है टेप टेप करके हम लोग कॉइंस बढ़ा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे बहुत सारे कॉइंस हो जाए 26 सितंबर तक, फिर तो हमें एयर ड्रॉप फाइनली मिल ही जाएगा। भाई इस सोच में मैं भी बैठा हुआ हूँ और मैं भी टेप टेप करके भाई इतने ज़्यादा कॉइंस कर लिए हैं भाई मैंने, भाई उंगलियाँ घिस चुकी है। अगर भाई एयर ड्रॉप नहीं मिलता है ना तो जो हमारे दोस्त हैं ना वे बोलेंगे हमने पहले ही किया था, ये फ्रॉड है, मैं सब फर्जी है, ये ऐसे बोलेंगे। अगर नहीं मिला तो ठीक है, अगर मिल गया तो फिर कहेंगे भाई ओ हमें भी पता भाई कैसे कैसे करना। लेकिन भाई मिलेगा ना मिलेगा ये तो वक्त ही बताएंगे, ठीक है। 26 सितंबर आने दो तभी हमें पता लगेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। भाई जो हमारे दोस्त हैं ना वे बोल रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद नहीं पता कुछ होने वाला नहीं होने वाला, हम तो बस खेल रहे हैं भाई, मनोरंजन को लेकर खेलो, इसको सिर में दर्द मत बनाओ, ठीक है। भाई बहुत से बंदों को मैंने देखा है भाई घंटे लोग टेप टेप ही कर रहे हैं, टेप टेप ही कर रहे हैं, कोइंस ही बढ़ा रहे हैं, तो भाई एक तरह का सिर में दर्द है हैमस्टर। अगर इसने एयर ड्रॉप नहीं दिया ना तो भाई बंदे इतने ज़्यादा जो है डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, सच्चे बता रहा हूँ। वे एक उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि हमें एयर ड्रॉप मिलेगा तो हम कुछ खरीदेंगे। भाई घर वाले बोल रहे हैं हैमस्टर खेलते खेलते कि भाई क्या बच रहा है, दिन भर तेरा यही करता रहे, मोबाइल में घुसा रहता है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह का डिफ़िकल्ट है सिस्टम्स, अगर भाई इसने हमें नहीं दिया ना एयर ड्रॉप तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा फाइनली हमारे साथ। इसका तो कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं हैमस्टर का, हमारे पंगा फंसेगा, हमारे घर वाले के लेके हाथ लगा दे कुछ नहीं, हमारे दोस्त खुद बोलेंगे। तो भाई एयर ड्रॉप आएगा 26 सितंबर को और कॉइंस हम बढ़ा रहे हैं। अब हमें एयर ड्रॉप मिलेगा कैसे, तो एयर ड्रॉप जो मिलेगा ना भाई, एयर ड्रॉप जो है हमें प्रॉफिट पर आवर के बेस पर मिलेगा। वो क्यों रीज़न मैं बताता हूँ आपको, देखो रीज़न क्या है प्रॉफिट पर आवर के बेस पर हमें क्यों मिलेगा। देखो कॉइंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका डेली रिवॉर्ड है ना भाई, डेली रिवॉर्ड में इन्होंने इतने ज़्यादा कॉइंस दे रहे हैं भाई। यहाँ पर देखो, अगर डेली रिवॉर्ड तो आप देख ही रहे होगे भाई, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 35 मिलियन, 50 मिलियन, 75 मिलियन, अगर इनको सबको कैलकुलेट करते हैं तो भाई ये कितने ज़्यादा पहुँच जाएंगे आपको पता ही है। अगर ये कॉइंस के हिसाब से पैसे देने लगा तो कोई बंदा मतलब डेली रिवॉर्ड करके ही इतने ज़्यादा पैसे अर्न कर लेगा, समझ रहे हो बात को, है कि नहीं। तो भाई कॉइंस के हिसाब से तो आप भूल जाओ कि हमें कुछ एयर ड्रॉप मिलने वाला है, कॉइंस के बदले में टोकन वगैरह कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो इस सूत्र के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर देखो भाई, जो एयर ड्रॉप मिलेगा ना तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से ही मिलने वाला है भाई। प्रॉफिट पर आवर बढ़ेगा तो सही है। देखो प्रॉफिट पर आवर बढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट पर आवर अगर आपने बढ़ा लिया ना तो आपकी जो पैसिव इनकम बन गई एक टाइप से, वो पैसिव इनकम समझते हो, पैसिव इनकम होती है हम भाई एक बार हमने उसमें काम किया वो हमें हमेशा के लिए कमा के देती रहेगी, समझ रहे हो, ये पैसिव इनकम है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट पर आवर को बढ़ा लेंगे तो हमारा जो है हम पर आवर बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए अगर हमने एक घंटे में 1 मिलियन का प्रॉफिट पर आवर बढ़ा लिया, जैसे कि मैंने बढ़ा रखा है अपना 1 मिलियन प्लस ही है, तो मेरा एक घंटे में फाइनली 1 मिलियन प्रॉफिट पर आवर से आ जाते हैं। मैं टेप ही नहीं करता भाई, मैं टेप नहीं करता, सिर में दर्द नहीं बनाना इस हैमस्टर को, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा जो है कम्युनिटी बन चुकी है हैमस्टर की, अगर ये कॉइंस के हिसाब से देने लगे तो भाई इतने ज़्यादा कैसे संभव नहीं है ना। तो ये सब चीज़ है भाई, तो प्रॉफिट पर आवर बढ़ेगा तो भाई कॉइन्स तो खुद ब खुद बढ़ेंगे, और ये खुद भी कह रहे हैं कि प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं दे सकते हैं। इनका कंफर्म नहीं है अभी, कुछ ली है ही नहीं कंफर्म कि किस हिसाब से देने वाले, लेकिन कुछ सूत्रों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस, ये फ्रेंड को रेफ़र करने के लिए बोला था, इन्होंने टैक्स कंप्लीट करने के लिए बोला था, वो सब चीज़ हमने कर ली है। अब इन्होंने जो है बाइनेंस एक्सचेंज में लगाने के लिए दे दिया है वो सब चीज़, तो बाइनेंस में हमने KYC वगैरह कर ली है जिसमें हमें आधार कार्ड वगैरह देना पड़ा है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर गाइस अपने को जो है देखो प्रॉफिट पर आवर बढ़ेगा यहीं पर, बस आपको प्रॉफिट पर आवर पर क्या है माइनिंग पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको जिसमें आपको दिखे कि कॉइंस कम लग रहे हैं प्रॉफिट पर आवर सही से मिल रहा है तो उसको आप क्लिक करके उसको करो भाई, ठीक है। उस तरह से आप प्रॉफिट पर आवर बढ़ाओ, क्योंकि प्रॉफिट पर आवर बढ़ेगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट पर आवर बढ़ेगा तो कॉइंस तो खुद ब खुद बढ़ते रहेंगे, और भाई जैसे फिर कॉइंस बढ़ेंगे फिर प्रॉफिट पर आवर बढ़ाओ, तो प्रॉफिट पर आवर मेन मुद्दा है, प्रॉफिट पर आवर पर ध्यान दो। और भैया एयर ड्रॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा तो भाई कुछ नहीं कह सकते।